हाँ बच्चों, देखिए धनुष भंग में आज चौथा पढ़ाने जा रहे हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। देख देख माने देख देख करके, रघुबीर माने श्री रामचंद्र जी के तन माने शरीर को, सुर माने देवताओं से, मनाव माने मनाती हैं या विनती करती हैं, धर माने धारण करते, धीर माने धैर्य, भरे माने भर करके, विलोचन माने नेत्रों में, प्रेम जल माने प्रेम रूपी जल को, पुलकावले माने रोमांचित हो जाते हैं शरीर माने शरीर। देखिए प्रस्तुत दोहे में तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी के मन की व्याकुलता का वर्णन करते हैं। देखिए, देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके, सीता जी श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके, मन में धैर्य धारण करके देवताओं से प्रार्थना करती हैं। भरे बिलोचन नेत्र जल, आँखों में प्रेम जल भर करके पुलकावली शरीर रोमांचित हो जाता है। देखिए फिर से सीता जी नेत्रों में आंसू भर करके और उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। वह श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं से प्रार्थना करती है। देखिए आगे, नीके निरख नयन भर शोभा, पीतुपन सुमिर बहुर मन शोभा। सीता जी श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्र भर करके देखती हैं और फिर अपने पिता के प्रण को याद करती हैं। बहुर मन शोभा, शोभा माने दुख होता है, और फिर वह मन में दुखी हो जाती हैं। आहा तात दारुणि हट छानी, समझत नहि कछु लाभ न हानि। आहा माने अरे, तात माने पिताजी ने, दारुण माने कठिन, हठ माने जिद, ठानी माने ठानी है, समझत नहीं, कुछ नहीं समझे, लाभ न हानि, लाभ और हानि को। अरे पिताजी ने दारुण हठ ठान रखी है, इन्होंने लाभ और हानि के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। सचिव सभा सिख दे ना कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। अनुचित माने अनुचित, बुद्ध समाज माने विद्वानों के समाज में, सचिव माने मंत्री, सभा माने भय से, सिख माने शिक्षा, दे ना कोई नहीं देता है। मंत्री भी भयभीत होकर के इन्हें कोई भी शिक्षा नहीं देते हैं। विद्वानों के समाज में यह बहुत अनुचित हो रहा है। कह धन कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। किशोरा माने किशोर, मृदुगात माने कोमल शरीर, श्यामल माने श्यामल, कुलसी माने वज्र, धन माने धन। देखिए, कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष, कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ या श्यामल कोमल शरीर वाले किशोर। आगे देखिए, वेद के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन वेधि हीरा। हे ब्रह्मा, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? क्या कहीं सिरस जैसे कोमल फूल कहीं हीरे को बेद सकता है। आगे देखिए, सकल सभा कह मति भय घोरी, अब मोहि सांभु चाप गति तोरी। ऐसा लगता है संपूर्ण सभा के लोगों की मति भ्रमित हो गई है, भोरी माने भ्रमित हो गई है। ऐसा लगता है संपूर्ण सभा के लोगों की मति भ्रमित हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष, अब हम तुम्हारी शरण में हैं। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। निज जड़ता लोगन पर डारी, अब तुम अपनी जड़ता को यहाँ पर उपस्थित लोगों पर छोड़ दो। होई हरु रघुपति ही निहारी, श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके अपने भारीपन को हर लो। अति परिताप शीय मन माही, लव निमेश जुग शय समझाही। अति परिताप, इस प्रकार सीता अपने मन ही मन में दुखी होती हैं। लव निमेश जुग सय समझाही, लव निमेश माने एक पल का समय उनके लिए जुग के समान व्यतीत हो रहा है। बेटा इसमें देखिए, इसमें काव्यगत संदर्भ में लिखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी की मनोव्यथा का वर्णन करते हैं।
और वही छंद में दोहा चौपाई है, भाषा अवधि भाषा है। रस देखिए इसमें जो है करुण रस है, और अलंकार जो है रूपक उपमा अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखिए, प्रभु ही चिता ही पुण्य चिता मय राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जन बिरु मंडल डोल। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की मन की चंचलता तथा उनके मन की व्यथा का वर्णन करते हैं। प्रभु ही चिताई पुण्य चिताओ मय, चिताई माने देखते हैं, पुण्य माने फिर, चिताओ माने देखते हैं, देखती हैं, मय माने पृथ्वी, राजत माने सुशोभित होता, लोचन लोल उनके सुंदर नेत्र, खेलत माने खेलते हैं, मानसिक माने कामदेव के, मीन माने मछली, जुग जन माने जुग के समान, यहाँ पर जन उत्प्रेक्षा अलंकार, विधु मंडल डोल चंद्रमंडल की डोल में। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी एक बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर पृथ्वी को देखती हैं। उस समय उनके सुंदर नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेव की दो सुंदर मछलियाँ चंद्रमंडल में, विधमान चंद्रमंडल की डोल में खेल रही। आगे देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशाय अवलोकी। गिरा माने बाणी, अनिल माने भौरा, मुख माने मुख, पंकज माने कमल, रोकी माने रोकी, लाज माने लाज, निशा माने रात, अवलोकी माने देख करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी मुख रूपी कमल से लाज रूपी निशा को देख करके, सीता जी लाज रूपी निशा को देख करके मुख रूपी कमल से बाणी रूपी भावरे को प्रकट नहीं करती हैं। एक बार फिर से देखिए, सीता जी लाज रूपी निशा को देख करके मुख रूपी कमल से भावरे रूपी बाणी को प्रकट नहीं होने देती हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। कृपन माने कांजोश, सीता जी के नेत्रों के जल नेत्रों के ही कोने में कोनों में रह जाते हैं। जिस प्रकार से कांजूस व्यक्ति अपने धन को अपने सोने को गाड़ करके कोने में रखता है। सब कुछ व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी। सीता जी संकुचित होकर के अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और फिर अपने हृदय में उर अपानी, फिर अपने हृदय में धैर्य को धारण करती हैं। तन मन वचन मोर पनुषाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सीता जी कहती हैं, तन शरीर मन वचन से यदि मेरा प्राण सच्चा, पन माने प्राण, शरीर मन वचन से यदि मेरा प्राण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा और श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में मेरा मन बसा है, तो भगवान सकल उर्वाशी, तू हे संपूर्ण लोगों में व्याप्त रहने वाले प्रभु, करी मोहि रघुबर कै दासी, तो मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए। जेह के जेह पर सत्य स्नेहु, सो तेह मिलय न कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, सो तेह मिलय, वह उसको अवश्य मिलता है, न कछु संदेहु, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, वह उसको अवश्य मिलता है, उसमें कुछ संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखती हैं और फिर प्रेम से प्रेम तन ठाना, फिर जो है वह प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी सीता जी के हृदय की सारी बात को जान जाते हैं। सिए ही बिलो की ताके धन कैसे, चिता और गरुण लघु ब्याल ही जैसे। ब्याल माने सांप, लघु माने छोटा, ताके माने देखते हैं। देखिए श्री रामचंद्र जी एक बार सीता जी को देखते हैं और फिर वह शिव धनुष को उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार से गरुण पक्षी छोटे सांप को देखता है। बेटा जो ऊपर का काव्य का सौंदर्य है लगभग वही है ना, जैसे इसमें छंद है, भाषा है, रस है, अलंकार है, ये सब ज़्यादा नहीं बदला है।
आप लोग आठवां विशेष ध्यान दीजिए, देखिए, लखन लखेव रघुवंश मन ताकेव हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। चाप माने दबा करके, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को। लखन लखेव, लक्ष्मण जी देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी देखते हैं कि रघुवंश मणि ताकेव हर को दंड, रघुवंश के मणि भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को देखते हैं और पुलक गात और रोमांचित होकर के अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाते हुए इस प्रकार बोलते हैं। फिर से देखें, लक्ष्मण जी देखते हैं कि रघुवंश के मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को देखते हैं और ब्रह्मांड को पैर से दबाते हुए रोमांचित होकर के इस प्रकार बोलते हैं। दिस कुंजरव कमठ यहि कोला धरव धरन धर धीर न डोला। बेटा देखिए, धा धा और शब्द कई बार आया है यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए इसमें जो काव्य संदर्भ में अनुप्रास अलंकार होगा। दिश कुंज रही दिशा रूपी हाथी, हे दिग्गजों, इसको दिग्गजों कही, हे दिग्गजों, कमठ माने कछुए, हे दिग्गजों, हे कच्छा, हे शेषनाग, हे कोल और वारा, धरा उधरन, धरव माने धारण करो, धरण माने पृथ्वी को, धारी माने धैर्य धारण करो, धीर माने धैर्य को, ना डोला माने डोल ना सके। हे दिग्गज दिग्पालों, हे दिग्गज दिग्पालों, कच्छा शेषना बारह और कोल, सभी लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को धारण करो जिससे पृथ्वी हिल डोल ना सके। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग पुनि आयस मोरा। अब श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, चाहे माने चाहते हैं। अब श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो उस सजग सुन आयस मेरा, सभी लोग मेरी आज्ञा को सुन करके सावधान हो जाओ, सभी लोग मेरी आज्ञा को सुन करके सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आई, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप माने धनुष, धनुष के समीप जब श्री रामचंद्र जी आते हैं तब जनकपुर के नर और नारी देवताओं से सुकृत मनाते हैं या अपने पूरे कर्मों को मनाते हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानी। सबके संदेह और अज्ञान को और घमंडी राजाओं के, देखिए, सभी लोगों का संशय, अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान, भृगपत केरी गर्भ गरुआई और परशुराम का अहंकार, शूर मुनि वरन केरी कदराई, देवताओं और मुनियों की खुशी, सीकर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और राजा जनक जी का पश्चाताप, रानी ने कर दारुण दुखतावा और रानी का दारुण दुख का दवानल में जलना, रानी के दारुण दुख का दवानल में जलना, शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, शंकर जी के शिव धनुष रूपी जहाज पर सभी लोग चढ़े जाए, सब संग बनाए, सभी लोग एक साथ चढ़ करके संसार रूपी सागर से जाना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम के भुजा बल के द्वारा अपार सिंधु के पार जाना चाहते हैं। चहत पार नहीं को कणहारू, लेकिन उस पार ले जाने के लिए कोई मल्लाह नहीं है। एक बार फिर से देखिए, सबका संशय और अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान, परशुराम का घमंड अभिमान, देवताओं और मुनियों की कदराई माने बता देंगे, देवताओं और मुनियों की कदराई, सीता जी की सोच, राजा जनक का पश्चाताप, रानी का दारुण दुख का दवानल में जलना, सब एक साथ शिव धन रूपी जहाज पर सब एक साथ चढ़ करके राम के भुजा
बल रूप भुजा बल के द्वारा सिंधु अपार सिंधु के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई मल्लाह नहीं है। आगे देखिए दोहा, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी बिकल विशेष। अब देखिए इसमें क्या है, प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी राम सीता की व्याकुलता को मन ही मन समझ जाते हैं। देखिए, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, रामचंद्र जी सबको देखते हैं कि सभी लोग चित्र लिखे के समान दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र जी सबको चित्र लिखे के समान देखते हैं, चित्र लिखे मतलब मूर्ति की भांत देखते हैं। चितय श्री कृपायतन, फिर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं और उनकी उनकी विशेष व्याकुलता को समझ जाते हैं। देख विपुल विकल वय देही, निमिष विहात कल्प सम देही। श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं और उनके लिए निमिष माने पल, उनके लिए एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिषित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करय क सुधा तड़ागा। देखिए, त्रिषित माने प्यासा, बार माने पानी, बिन माने बिना, जो तन त्यागा शरीर को त्याग दिया, मुए करय तो मरने के बाद, सुधा तड़ागा अमृत कुंड में डाल देने पर कुछ फायदा नहीं है। देखिए, श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर को त्याग दे तो मरने के बाद उसे अमृत कुंड में डालने से कोई लाभ नहीं होता है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। फसल के सूख जाने पर बरसात होने से कोई लाभ नहीं होता है, समय बीत जाने पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लख प्रीत विशेषी। इस प्रकार का विचार अपने मन में करके और सीता जी को देखते हैं तो श्री रामचंद्र जी विशेष प्रेम से देख करके पुलकित हो जाते हैं। गुरई प्रणाम मनह मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। श्री रामचंद्र जी गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और अति शीघ्रता से धनुष को उठा लेते हैं। दमके दामिनी जिम जब लयहु, पुनिनभ धनु मंडल सम भयहु। जब श्री रामचंद्र जी धनुष को हाथ में लेते हैं तो वह बिजली के समान चमकने लगती है और फिर वह धनुष आकाश में मंडलाकार हो जाता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काव न लखा देख सब ठाड़े। धनुष को हाथ में लेते हैं और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, कोई उन्हें खींचते हुए नहीं देख पाता, सभी लोग खड़े रह जाते हैं। तेरे क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। उसी ही क्षण श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं और उसकी कठोर आवाज़ तीनों लोकों में फैल जाती है। आगे देखिए छंद में, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तज मारग चले, चिक करही दिग्गज डोलमय अहि कोल कुरुम कल मले। देखिए, प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष के टूटने के बाद क्या स्थिति है उसका वर्णन करते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव धनुष के टूटने से भयंकर आवाज सभी लोकों में फैल जाती है। रवि बाज तज मारक चले, सूर्य का घोड़ा भी अपना रास्ता बदल करके चलता है। दिग्गज चिंघाड़ने लगते हैं, पृथ्वी डोलने लगती है, शेष नाग कोल और कच्छप कलकलाने लगते हैं। देव असुर मुनि कर कान दीन है, शकल विकल विचार रही। देवता राक्षस मुनि सभी लोग सुन करके और सभी लोग व्याकुल होकर के सोचने लगते हैं। कोदंड खंडव राम तुलसी जयत वचन उचारे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ दिए हैं, सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य में क्या है। नंबर एक में गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष के टूटने के बाद क्या परिणाम होता है उसका वर्णन करते हैं। छंद देखिए, यहाँ पर जो है सोपान है और अलंकार जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, रस जो है वीर रस है और भाषा जो है अवधि भाषा है ना। तो बच्चों, जितना हम पढ़ा दिए हैं, हमें आशा करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा। यदि कहीं पर कोई कठिन शब्द है वो आपको नहीं आया होगा, फिर बाद में हम